मेरा नाम निशांत कुमार गौतम है और मैं हेलमेट के शीशे वाइजर का काम करता हूँ। आज सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बंती जी से पूछना चाहता हूँ, जो वर्तमान समस्या है जो आज लोग बाग सड़कों पर हैं, और इसके बारे में हम विनयशील बंती जी से पूछना चाहते हैं, क्या विचार है उनके? महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ समता टीवी चैनल मनोज अंतानी जी का, जो दूर दूर तक जा जाकर मतलब अपने समाज में संदेश देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमें अपने इस मीडिया को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए और इसको जो इसका बटन दबाकर इसे आगे ले आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, मेरी पीड़ा यही है कि जो हमारे लोग हैं, कुछ लोग मतलब जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जो ये CNN का और उसका ये जो मामला चल रहा है जगह जगह, तो उस चीज़ को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब तक तुम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ोगे नहीं, सामने नहीं आओगे, तब तक तुम्हारी इसी तरह से हालात और हत्याएं होती रहेंगी। अभी कानपुर देहात में इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है, ऐसा जीवन में कभी भी नहीं देखा। जो बच्चे तक वहाँ पर मतलब तरह तरह करके मार दिए, और महिलाओं के ऊपर इतना इतना नरसंहार हो रहा है, तो ये क्या है? हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो हमारे अंदर भी ये, हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर शांति हो, देश के अंदर बुद्ध की बात आए, देश के अंदर करुणा मैत्री की बात आए। लेकिन किसी की हिंसा करने से, किसी को मारने से क्या लाभ मिलेगा? क्या तुम्हें उससे कोई हानि हुई? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम शासन चाहते हो, पूर्ण रूप से शासन करना चाहते हो, तो क्या दलित को एक तरफ करने से शासन हो जाएगा? शासन तो सभी से मिलके चलता है। मोदी जी चाहे अमित शाह या कोई भी हो, जब आप शासन में हैं तो आप शासन ऐसा करें जैसे बुद्ध के समकालीन में बुद्ध के लोग, बुद्ध के अनुयायी राजा जो जो करते थे, किसी की हत्या नहीं करते थे। बुद्ध की शिक्षा तो यही थी। लेकिन यहाँ आज वो वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गई है के लोग बराबर अपने ने इतना मतलब अपने आप को भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं कि हम क्या करें, आगे कहाँ जाएं। बहुत मैं अपने टेंपल पे बैठा हुआ हूँ, मैं बुद्ध विहार पे बैठा हुआ हूँ। इस बुद्ध विहार पे लोग मेरे पास मोमडन लोग आते हैं, और जो लोग मोमडन लोग पहले हमें बिल्कुल लायक नहीं करते थे, बिल्कुल लायक नहीं करते थे, वो मोमडन लोग आज हमें यहाँ पर नमस्कार करते हैं, जय भीम करते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं, और आकर उन्होंने एक ही बात पूछते हैं कि गुरुजी क्या होगा, इस देश में हमारा क्या होगा? हमने उनको बताया ऐसा कुछ नहीं है, ना कुछ होना है और ना कुछ होगा। जो संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनसे आप भयभीत ना हो और आप परेशान नहीं हो। आप जो भारत के मूल निवासी हैं, वो भारत के मूल निवासी ही यहाँ पे रहेंगे, और कोई भी यहाँ पर किसी की इतनी ताकत नहीं है कि हम लोगों को कहीं पे कोई बाहर बाहर भेज सके। कई बार मतलब जो है ना, एक कार्यक्रम रखा था तो हमारे ये अब्बास नकवी जी आए थे, जो ये क्या नाम है, ये तिब्बत का जो बॉर्डर की पुलिस रहती है उसमें ऑडिटोरियम है, उनके उनके कार्यालय में, तो वहाँ हम लोगों को बुलाया गया। तो सारे ही मतलब मिशन के लोग गए, हम वहाँ सम्मान किया, तो अब्बास नकवी ने मतलब ये चीज़ समझाई थी। तो हम तो ये चाहते हैं कि मतलब जो है ना, जब आप कहीं पर भी कुछ बोलते हो तो आप ही बोल के चले जाते हो, तो अन्य जो धर्म गुरु होते हैं, आपने जैनियों को बुलाया, आपने ईसाइयों को बुलाया, आपने सिखों को बुलाया, आपने आपने बौद्धों को बुलाया, आपने लामाओं को बुलाया, और सबको बुलाया आपने। बुलाने के बाद में आपने किसी को भी कोई चांस नहीं दिया, कम से कम अपने अपने मन की बात आपके सामने कुछ रख सके। तो देखिए कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा अंदर खाने चल रहा है जिससे कि लोगों में घबराहट है। लेकिन आप चिंता ना करें, कोई
ऐसी बात नहीं है, हमारे लोग काफ़ी पीछे लगे हुए हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि कभी भी किसी का भी कोई हनन ना हो, और हमें अब सजगता दिखानी है। जैसे अभी भीम आर्मी के लोग पहुंचे थे, कोई हमें मारने आ रहा है, कोई मारने आ रहा है तो हमें उसको पहचानना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो हमें एक दिन पहले अपनी भी तैयारी कुछ करनी चाहिए, और फिर अगर हमें हमें मरना ही है तो कम से कम हमें भी तो कुछ करना चाहिए, ऐसा हौसला बढ़ाना चाहिए, समझे। मेरे मेरे साथ में भी यहाँ पे कई बार घटना हुई है, इसी में बुद्ध विहार पर मैंने यहाँ के लोगों को मैंने बताया था, जिस समय मैंने पुलिस को बुलाया था यहाँ पर, और आकर मैं ICU में से निकल के आया था, और मैं यहाँ पर मैंने मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कि ये कार्यक्रम उनका माता का कार्यक्रम था, नवरात्रे आ गए थे, मैंने कहा भाई मैं अभी ICU में से निकल के आया हूँ, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, और आप जो है ना इस कार्यक्रम को आगे ले जाओ। लेकिन हमारे ही लोग एक एक आदमी के पीछे लगे हुए हैं, हमें कुछ कहने नहीं देते, करने नहीं देते, हम लोगों को दबा दिया जाता है। तो हमें कम से कम नहीं तो अपना संगठन तो इतना मजबूत रखना चाहिए जिससे कि हमारी अम्मा अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। तो हमने अकेले ने यहाँ अपनी आवाज़ को बुलंद किया, और बुलंद करके और हमने उस कार्यक्रम को ना करने दिया, बिल्कुल नहीं करने दिया, और ना हमने उसकी आवाज़ उठाने दी उसकी, वो हमारी तरफ बार बार देखते रहे। तो देखिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आए हुए मनोज अंतानी को, मैं संत जी भी आवाज़ को मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। वो समय समय पर मेरा इंटरव्यू लेते रहते हैं, और मेरी तो कामना यही है कि दुनिया में बुद्ध का जो संदेश है वो शांति का संदेश है, सभी सुखी से रहे, सभी का मंगल हो, सभी का सभी मंगलकारी हों, सबके लिए मंगल की मंगल कामना करें।